हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू चेंज फेसबुक पासवर्ड। फेसबुक पासवर्ड इसका मतलब है कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं और अब जो है आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि क्या और कैसे करना है। तो इसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। देखो, फेसबुक में पासवर्ड चेंज करने का दो कंडीशन होता है। पहले कंडीशन में क्या होता है कि आपके फोन में आपका फेसबुक लॉगिन है लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है, और दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि आपके फोन में ना तो आपका फेसबुक लॉगिन है और ना ही आपको पासवर्ड याद है। तो दोनों केस में आप क्या करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चाहे आपके फोन में फेसबुक लॉगिन हो चाहे ना हो, इसका प्रोसेस तो सेम है, हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपको करंट पासवर्ड याद है और आप जो है चेंज करना चाहते हैं, तो जब आप फेसबुक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको तीन लाइन दिख रहा होगा। सिंपली से इस लाइन पे टच करो एंड इसके अंदर में आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली से इसके अंदर आ जाओ एंड सेटिंग वाला जो ये ऑप्शन है इसके अंदर आओ, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सिंपली से इसको टच करो और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है चेंज पासवर्ड, और यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिख रहा है। एक में आपको करंट पासवर्ड डालना है और दो में आपको न्यू पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका करंट पासवर्ड याद होना चाहिए। लेकिन हमें तो पासवर्ड याद ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो सिंपली से अगर आपके फोन में फेसबुक लॉगिन है तो आप उसको लॉग आउट कर दीजिए, और अभी जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सिंपली से इसको फॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपना अकाउंट को सेलेक्ट करो, जो भी तुम्हारा अकाउंट है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड का, सिंपली से इस पे टच करो। उसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट कोड का, सिंपली से इस पे जब टच करोगे तो ये तुम्हें बोलेगा कि अपना अकाउंट को वेरीफाई करो। तो सिंपली से तीन तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, गूगल अकाउंट, ईमेल और SMS। तो मैं क्या करता हूँ, मैं SMS का ऑप्शन चूज़ करता हूँ एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है कि मैं अब यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डाल सकता हूँ। लेकिन एक बात यार, यहाँ पे मेरे फ़ोन पे OTP क्यों नहीं आया? OTP इसलिए नहीं आया कि ये जो गूगल अकाउंट है अभी मेरे फ़ोन में लॉगिन है, तो लॉगिन है इसलिए इसने ऑटो वेरीफाई कर लिया। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और मैं अपने अकाउंट में चला जाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा बैक आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल दिख रहा है ना, ये प्रोफाइल अगर तुम्हारा नहीं है या किसी और का प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रहा है तो क्या करोगे? तो सिंपली से इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है नॉट यू का, सिंपली से इस पर टच करो एंड ये बोल रहा है कि फाइंड योर अकाउंट, यानी अपने अकाउंट को ढूंढो कि तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, या तो अपने फ़ोन नंबर के थ्रू या फिर अपने ईमेल आईडी के थ्रू। तो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ एंड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा अकाउंट है, तो इसको चूज़ कर लो जो भी तुम्हारा अकाउंट है। उसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट कोड का। अब गेट कोड में जब करोगे तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई करने का, एक है ईमेल, दूसरा है SMS। तो मैं SMS चूज़ करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे फ़ोन पे अभी OTP आएगा, उसके बाद जो यहाँ पे OTP आपको यहाँ पे डालना है, तो इसने ऑटो फिल कर लिया है OTP। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि क्या ये नंबर जो आपको मोबाइल नंबर आपने डाला है, क्या इसको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज़ करना है? तो मुझे नहीं करना है, तो डोंट अलाउ कर दूंगा। एंड यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे रहा है, कीप मी लॉग्ड इन या फिर लॉग मी आउट ऑफ अदर डिवाइसेस, यानी कि क्या मैं पासवर्ड चेंज करने के बाद भी जिस डिवाइस में मेरा अकाउंट लॉगिन था लॉगिन रहेगा, या फिर सारे डिवाइसेस जो है लॉग आउट हो जाएगा। तो जो भी करना है, तो फिलहाल मैं कीप मी लॉगिन ही नहीं रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डिवाइस में ही सिर्फ ये लॉगिन है, ठीक है। तो इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करो। उसके बाद पुट योर न्यू पासवर्ड, अपने यहाँ पर पासवर्ड को डालो, जो भी आपको पासवर्ड आपको नया रखना है। उसके बाद कंटिन्यू करो, आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है और देख सकते हो कि मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया हूँ न्यू पासवर्ड के साथ। तो यही पूरा प्रोसेस है पासवर्ड को चेंज करने का। इसी तरह से आप भी जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये सारा स्टेप्स आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने पूरा ट्राई किया इस वीडियो में कि जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी तरह से आप कर सकते हैं, जो भी लोगों के मन में डाउट होता है वो सारा मैं जो है क्लियर कर दूं, और मैंने कोशिश किया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर लाइक करके, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई क्वेरी है यार, नीचे कमेंट कर देना। 100% मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और हो सके तो मैं आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। एंड यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी दो तुम्हें जानना है इसके बारे में, तो आप इन दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो को देख सकते हो।